भाजी कैसे दिया है? एक 10 का है, एक 5 का है। अरे इधर आ जाओ थोड़ी। ये 10 का और एक 5 का। भाजी आपकी उम्र तो मुझे लग रहा है 70 से ज्यादा है। 74 है मेरी, मेरे पास है पहचान पत्र है, आधार कार्ड है। जी जी, दिखा सकता हूँ। तो कितने साल से कर रहे हैं बाबूजी ये काम? ये काम मैं कर रहा हूँ 60 साल से। 60 साल से? हाँ। मतलब जब से आपने होश संभाली यही इंडिया गेट पे ही रहते हो? हाँ, इंडिया गेट पे जब से होश संभाला तब से यही किया। जी जी जी। तो कितनी कमाई हो जाती है बाबूजी? कमाई हो जाती है कुल मिला के 400-500 रुपये हो जाती है डेली के। हाँ, डेली के 400-500 रुपये। बाबूजी आपकी उम्र करीबन 70-75 साल आपकी उम्र में, तो इस उम्र में कैसे करते हो मतलब परिवार चलाने के लिए आप? देखो जी, बात तो कुल मिला के सारी ये है कि परिवार से तो मतलब ही क्या, अपना ही टाइम काटना है। जी जी। बच्चों से क्या मतलब, बच्चा कुछ भी कमाए लेकिन पेट तो मेरा है। जी जी। मेहनत तो मुझे करनी है ना, तो जो मिलेगा। नहीं, बच्चे ये भी तो कहते होंगे ना बाबूजी मत जाइए कमाने के लिए। लड़के कहते हैं मैं, लेकिन मैं चलता रहूंगा तो चलता रहूंगा, बैठ गया तो मैं बैठ ही जाऊंगा। बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवीर सिंह है। राजवीर सिंह? हाँ जी। मेरा नाम मुशाहिद खान है बाबूजी। कभी आप इतने दिन से इंडिया गेट पे आए हो, कभी आपको ऐसा महसूस हुआ इंडिया गेट पे या आसपास के हिंदू मुस्लिम जैसी कोई बात है कि मुसलमान हिंदू की मदद नहीं करते, हिंदू मुसलमान की मदद नहीं करते, आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कभी? देखो जी, बात ऐसी है ना कि मैं आपको बताऊं, हमारे पास मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू ज़्यादा हैं मुसलमान थोड़े हैं, लेकिन हम भाईचारे से रहते हैं। जी जी। कभी ये नहीं हमने सोचा है कि आप कौन हो क्या हो ना, वो हमसे ऐसी बात करते हैं, हम भाईचारे से रहते हैं। जी जी, प्रेम से। तो अब तक सुबह से कितना बिका बाबूजी आपका सामान? अब जो बिका तो बिका, मेरी जेब में क्या है, 100-200-300 रुपये, काम कम है तो काम है नहीं, तो अपना पूरा टाइम हो जाएगा 8-10 घंटे का, 12 घंटे। 10 घंटे तक आपके? हाँ, ऐसे चलते रहते हैं 12 घंटे। 12 घंटे आप चलते हैं? 12 घंटे ऐसे चलता रहता हूँ बाबूजी। हिम्मत, आपकी हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ। तो ये आप खुद बनाते हैं या कैसे? ये जी, मैं खुद अपने घर से बना के लाता हूँ, यहाँ बेच लेता हूँ। जी जी। अपना अपने पेट के लिए, गुजारे के लिए मुझे तो करना ही है, मुझे किसी से मतलब क्या है। जी जी। पेट तो मेरा है, चलता रहूँगा चलता रहूँगा। एक कितने का बाबूजी? एक 10 रुपीज़, 10 का भी है, 5 का भी है। अच्छा, कितने आपके? हाँ, होगा करीब करीब 400-500 रुपये का माल साला मिला के। 400-500 रुपये का होगा अभी? जी जी जी। तो कभी कोई ऐसा आता है कोई जिसे पूरा कोई खरीद लेता है, कोई ऐसा आता है? हाँ, आते हैं। हाँ, 100 का, 200 का, 300 का। जी जी। चीज़ अच्छी है तो कम कमाता हूँ मैं। जी जी। 1 रुपया लेता हूँ छोटे पीस पे, 2 रुपये लेता हूँ बड़े पीस पे। जी जी। तो इससे जो है 100-200 के ले लेते हैं, अभी ले लेते हैं, ले लेते हैं, आज काम कम है तो कम सही। भाजी ये सारे दे दीजिए आप हमें। आपकी मर्जी है। हाँ, ये सारे दे दीजिए आप कम से कम आज तो अपने घर जाइए, आप अपने घर बच्चों में कितने बताए आपने? 500 रुपये ना? 500। एक भाजी 500 रुपये, ये आपकी मेहनत के, हम कुछ एहसान नहीं कर रहे आप पे, ठीक है ना? हाँ, मेहनत, ये आपकी मेहनत के हैं। और भाजी ये 500 रुपये हमारी तरफ से, एक बच्चे की तरफ से, अपने आप बुजुर्ग हैं आप, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आप कमाए, खुश रहें, अपने बच्चों में खुश रहें, बस ये हमें एक दो दे दीजिए आप, इन पैसे से भी अपना माल बढ़ाना, अपने काम करना, और सिर्फ हमें दुआएं देना भाजी, बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कभी जाया करें ना मार्केट में, तो देखा करें ऐसे लोग आपको ज़रूर मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जैसे बाबा थे, करीबन 80 साल की उम्र थी इनकी, और 80 साल की उम्र में जद्दोजहद कर रहे थे अपनी ज़िंदगी से, बेटे हैं लेकिन बेटे के साथ साथ 60 साल से यहीं दिल्ली में सामान बेच के अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रहे हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, कभी मार्केट जाइए तो ऐसे लोग से बिना ज़रूरत के भी सामान खरीद लीजिए। हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि एक मैसेज समाज में जाए
اور ایسے لوگ جو آپ کی مدد کے مستحق ہیں کبھی بہانے سے ان کی مدد کر دیا کرو، انہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ آپ نے مدد کر دی ان کی، اور یہ جو دعا ہے یہ کبھی خریدی نہیں جا سکتی، یہ دعا جب دیتے ہیں نا تو دل سے دیتے ہیں۔ تو آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اپنے آس پاس دیکھیں، ایسے لوگ ضرور ملیں گے آپ کو، ان لوگوں کی مدد کیجئے، کبھی ایسے لوگوں سے بنا کسی ضرورت کے بھی سامان خرید لیجئے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ہمیں جو ہی پیار بانٹتے رہے۔ بہت بہت شکریہ۔